जो आपको किसी फार्म हाउस में देखने में नहीं मिलेगी। और ये चंद प्लॉट्स इस पे हमारे अभी इसमें जो है ना कोई अवेलेबल हैं। राइट साइड पे ये फार्म हाउस बन चुके हैं और ये पहला एक 8 कनाल का फार्म हाउस है, उसके साथ फिर वो 2 कनाल का है जिसपे गेट लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आज हम एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं फार्मर फेज़ 2 के अंदर। अभी नई हम वीडियो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें मज़ीद कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, अबाउट नए जो है फार्म हाउसेस कितने बन चुके हैं, किस किस साइज़ में हैं और हमारे पास इसमें कितने प्लॉट्स किस किस लोकेशन पे अवेलेबल हैं इस वक्त जी। और अभी मैं हम आपको दिखाएँगे कि मेरे सामने आप देखेंगे कैमरामैन की बैक साइड पे जो बरकी मेन रोड से रास्ता आ रहा है और ये हार्डली यहाँ से कोई 200 से 300 मीटर है यहाँ से मेन बरकी रोड से ये इन होता है लेफ्ट साइड पे। और ये मेरी बैक पे आप देखेंगे ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हम इंटर होते हैं इस मेन गेट से और गेट के ऊपर आप देखेंगे एक बड़ी 24 आवर हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल है, गार्ड्स अवेलेबल होता है इसके ऊपर और गेट एवरी टाइम ये क्लोज होता है। जैसे गाड़ी आती है हॉर्न देती है तो सिक्योरिटी गार्ड इसको गेट को खोलता है और इसकी चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स हैं। और अब अंदर जाके मज़ीद हम डिटेल्स में इसका विज़िट करते हैं और देखते हैं जी। जी तो हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट फार्मर फेज़ 2 की अंदर से विज़िट, तो हम गेट से इन हो चुके हैं, इसकी मेन बुलीवर्ड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखें कि राइट लेफ्ट जो है कंप्लीट फार्म हाउस बन चुके हैं और इसमें आप देखें स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल है और आप इसकी रोड्स की जो आप देखें कि वाइड रोड्स हैं, ये 45 फीट की रोड्स हैं जो आपको किसी फार्म हाउस में देखने में नहीं मिलेगी। और ये चंद प्लॉट्स इस पे हमारे अभी इसमें जो है ना कोई अवेलेबल हैं, बाकी सोल्ड आउट हैं सब और इनमें आहिस्ते आहिस्ते लोग जो है वो बना रहे हैं। तो ये अभी हम आपको पूरी इसकी जो है राउंड लगा के हम चेक करवाते हैं, आप इसका डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड देखें, इनकी रोड्स को देखें, 100% सॉलिड रोड्स हैं कारपेटेड। और ये आप देखें कि इसका रोड्स का मेयार देखें, आपको ऐसा कहीं मेयार नहीं मिलेगा और बड़ी सॉलिड किस्म की कारपेटेड रोड्स हैं। ये राइट लेफ्ट आप देख रहे हैं कि सब के सब जो है ये फार्म हाउस बनना शुरू हो चुके हैं और कुछ तकरीबन आखिरी मराइल्स में हैं और कुछ 10% जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए हैं और ये इसमें यहाँ पे कुछ फार्म हाउसेस के अंदर लोगों का प्लान है कि रेगुलर अपनी रेजिडेंस को रखना, क्योंकि इसका इतना कोई डिस्टेंस नहीं है, ये वीआरबी से हार्डली 2 किलोमीटर है। तो आप जो है वो 2 से 3 मिनट में 4 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाते हैं वीआरबी से, और वीआरबी के साथ BHFS-7 टच कर गया है। तो ये आप देखें कि फ्यूचर में बहुत अनकरीब जो है वो बरकी रोड जो है वो बीआरबी के बाद भी डबल होने जा रही है। और आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ना बहुत बड़े बड़े जो है ना यहाँ पे फार्म हाउसेस लोगों ने बनाए हुए हैं, ये हमारे राइट साइड पे है 18 कनाल पे बन रहा है। और इसी तरीके से तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सब पे काम शुरू हो चुका है और अगले ये 3 से 4 माह या 6 माह के अंदर आप देखेंगे ये 100% जो है बिल्ड हो चुके होंगे फार्म हाउसेस यहाँ पे। और उसकी रीज़न यही है कि ये एनवायरनमेंट बड़ी साफ़ सुथरी, यहाँ की रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के और आपको हर चीज़ फौरी तौर पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है आपको, स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं इसमें। और तो अभी हम ये आपको ये सारे रोड्स दिखा चुके हैं, आपको देखें कि आपको नज़र आ गए होंगे, हम सिर्फ बातचीत करने की बजाय हम चाह रहे हैं कि आपको फिज़िकल चीज़ें दिखा दी जाएं। तो ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स। तो ये मेरे सामने आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस किस साइज़ में है और कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या नंबरिंग में हैं और इनके रेट्स के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं।
जी तो हम अभी फार्मर फेज़ टू का विज़िट कर रहे थे। हमने तमाम राउंड लगा के उसकी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को चेक किया, देखा उसकी रोड्स को देखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अवेलेबिलिटी की। पहले हम बात कर चुके हैं, यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो सारे सोल्ड आउट हैं। चंद एक प्लॉट हमारे पास रीसेल में प्लॉट्स आ चुके हैं, और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये मेरे राइट साइड पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये कॉर्नर्स का प्लॉट है हमारे पास, एक छः कनाल और कोई 6.5 मरले का ये प्लॉट्स है कॉर्नर का, और इसका कोई 200 के करीब इसका फ्रंट है दोनों साइड से, और बहुत आइडियल और गोल्डन प्लॉट है यहाँ पर इस सोसाइटी का, और बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले पोर्शन में आता है ये। और इसके साथ हमारे पास बिल्कुल बैक पे हमारे पास तीन प्लॉट तीन तीन कनाल के अवेलेबल हैं, अगर कोई छोटा प्लॉट लेना चाहे वो भी अवेलेबल है। तो ये बड़े अच्छे और मिड में और स्टार्टिंग में ये प्लॉट्स हैं, और बड़े रीजनेबल प्राइस पे हैं इस वक्त ये। और ये मैं अभी आपको अपने लेफ्ट पे दिखाता हूँ, बैक साइड पे यहाँ पे भी हमारे पास एक 4 कनाल का प्लॉट्स है। ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बजरी है, उसके राइट साइड पे थोड़ा सा 2 प्लॉट छोड़ के ऑलमोस्ट वहाँ पे उसके साथ में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बन चुका है, और यहाँ पे 4 कनाल का हमारे पास एक प्लॉट है अवेलेबल है जो रीसेल में है। अभी इसी रोड पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये लेफ्ट वाली एक सड़क जा रही है, वहाँ पीछे जहाँ पे आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी उससे थोड़ा आगे और लेफ्ट पे हमारे पास एक 2 कनाल का प्लॉट अवेलेबल है, और वो भी बड़े रीसेल में अवेलेबल है, और इसमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे ये भी अवेलेबल है। अब मैं आपको मेरी बैक साइड पे आप देखें ये रोड जा रही है, और ये इस रोड पे आप देखेंगे कि आपको एक ब्राउन गेट नज़र आ रहा है। ये राइट साइड पे ये फार्म हाउस बन चुके हैं, और ये पहला एक 8 कनाल का फार्म हाउस है, उसके साथ फिर वो 2 कनाल का है जिसपे गेट लगा हुआ है। उसी गेट के ब्राउन गेट के साथ बिल्कुल जो है वो हमारे पास 2 कनाल के 2-2 कनाल के 2 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ आप अगर उस लोकेशन में कोई लेना चाहेंगे तो आपको 4 कनाल भी अवेलेबल है, यानी कि वो 2-2 कनाल के 2 प्लॉट्स हैं। अगर कोई सिंगल 2 कनाल का लेना चाहे वो भी अवेलेबल है। तो ये हमारी अवेलेबिलिटी है और अच्छी लोकेशन के अंदर है, और प्राइस अभी तक ये हम सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को जो यहाँ पर लेना चाहते हैं इस लोकेशन पर। और यहाँ पर अभी आपको 65 लैक्स से 70 से लेकर 65 तक की आस्किंग है यहाँ पर, और इसी के राउंड अबाउट आपकी डील बन सकती है। और ये इन फ्यूचर में 2023 में इसके रेट बहुत इंक्रीज होंगे, यही सड़कें हम आगे एक्सटेंशन की तरफ ले जाएंगे तो नए रेट्स आपको पता है हमेशा से जो है वो मैक्सिमम होंगे इस पहले पुराने रेट से। तो अभी तक जो अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो बड़ा आइडियल टाइम है, और ये फौरी ले। और ये मैं बता दूं कि ये लोकेशन हम पहले आपसे बता डिस्कस कर चुके हैं कि ये हार्डली BRB से 2 किलोमीटर तकरीबन है, तो आप 3 से 4 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट यहाँ फौरी तौर पे किसी भी फार्म हाउस में इतनी स्पीडी फार्म हाउस बिल्ड नहीं हुए हैं जो यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम चलते हुए वापसी पे आपको बिल्ड फार्म हाउस भी आपको शो करेंगे, दिखाएंगे कि देखें कितनी स्पीडी यहाँ पे बन चुके हैं। ये 1 से 1.25 साल के अंदर ये सारी डिवेलपमेंट है यहाँ की। तो अब आगे देखें, आप खुद इसमें आइडिया करें कि यहाँ पर अगले 4-5 माह के अंदर क्या कंप्लीट 100% जो है वो बिल्ड हो चुके होंगे। तो ये फौरी पोजेशन है, आप लेके फौरी बना सकते हैं, फौरी रह सकते हैं यहाँ पे जी। तो अभी हम इंशाल्लाह आज हमने आपको अपडेट किया है फार्मर्स फेज़ टू के बारे में, और इसके रेट भी हमने आपको बता दिए। इस वक्त तक आपको इस रेट में चीज़ें अवेलेबल हैं, और हमारे से आप रابطہ कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इसमें नीचे दिए गए नंबर पर رابطہ करें, और मज़ीद हम मज़ीद अपडेट के लेकर अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।